दोस्तों आपका आरजी ब्रजवासी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आया हूँ मैं करड़ी मैया के मंदिर, जहाँ पर चूहों का मंदिर है, जहाँ पर 25,000 चूहे हैं, प्रसाद में चूहे, आरती में चूहे, हर जगह चूहे, यहाँ तक कि आप पूरे मंदिर में पैर उठा के नहीं चल सकते। यदि एक भी चूहा मर गया तो समझिए आपने माँ जगदम्बा करड़ी मैया के पुत्र को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर जितने भी चूहे हैं वो माँ करड़ी मैया के पुत्र माने जाते हैं। करीब 25,000 की अनेक लीलाएं चूहों की दिखाएंगे, जो माँ जगदम्बा के पुत्रों का रूप मानी जाती है। 3 या 4 जो चूहे हैं दोस्तों वो हैं सफ़ेद चूहे, और जो सफ़ेद चूहे के दर्शन कर लेता है समझो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। अभी हम चल रहे हैं अंदर करड़ी मैया के मंदिर में। देखिए मैया जी के दूध, और दोस्तों अभी हम आपको पहले दर्शन कराते हैं, अंदर चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद जितने यहाँ पर चूहे हैं, जितना चमत्कार है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप तुरंत बस 1 मिनट के अंदर हम मंदिर पहुँच रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देख सकते हैं ये है करड़ी मैया का मंदिर। देखिए यहाँ पर अनेक लीलाएं चूहों की दिखाएंगे, जो माँ जगदम्बा के पुत्रों का रूप मानी जाती है। देखिए दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आपने देख लिया होगा करड़ी मैया का मंदिर, जो यहाँ पर करीब 7:30-8 बजे आरती होगी, उसमें काफ़ी भीड़ होती है। अभी भी लोग चूहा देख रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद चूहा है वो दोस्तों इधर ही मिलेगा, इसलिए सभी लोग वेट कर रहे हैं सफ़ेद चूहा का। भैया दिखाई दिया क्या अभी तक? सर नहीं दिखाई दिया ना। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सफ़ेद चूहा का। देखिए दोस्तों भैया के दूध हुए, देख सकते हैं आप, कैमरा का 30 रुपये है, मोबाइल का भी 70 रुपये है, मोबाइल कैमरा का 30 रुपये है। वीडियो दोस्तों कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो भैया कुल मिला के बात है, हमने करड़ी मैया के दर्शन कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हमने सफ़ेद चूहों के दर्शन करने थे, जो करड़ी मैया के दूत माने जाते हैं ऐसा बताते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन करने का मतलब आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं आखिरकार, और आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा है। और दोस्तों ये बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर है, बहुत ही मान्यता है, नवरात्रि के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, मेला लगता है। तो आप भी, मैं बोलता हूँ आप भी यहाँ पर देखने के लिए आ सकते हैं करड़ी मैया का मंदिर। से बाहर आएंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पर सामने दुकान है प्रसाद की, और ये है करड़ी मैया का मंदिर, और सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर है ये दुकान है, यहाँ पर है आप प्रसाद माला, मैया का श्रृंगार, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ कौन से दिन रहती है? नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे ऐसे मंदिर की जो मान्यता है वो क्या है, मतलब किस चीज़ से ज़्यादा? माता जी के चूहे हैं ना, काबे। अच्छा, काबों की वजह से। अच्छा, जो सफ़ेद चूहे हैं वो कितने चूहे हैं इसके यहाँ पर? 10-10 एक है, 10-12 है। और बड़े जो वैसे नॉर्मल चूहे हैं वो तो काफ़ी होंगे, वो तो अनगिनत है। अनगिनत, तो हर किसी को दिखाई दे जाता है सफ़ेद चूहे? नहीं, हाँ सबको दिखाई देते हैं, लगभग काफ़ी लोगों को सबको दिखाई देते हैं। ये है देखिए करड़ी मैया का मंदिर, और सामने है दुकान है, और ये है भाई साहब की दुकान। भाई साहब आपकी दुकान का नाम? चारण मिष्ठान भंडार। तो ये भाई साहब की दुकान है, काफ़ी अच्छी खासी दुकान है। यहाँ पर चूड़ियाँ आप हर चीज़ यहाँ पर ले जा सकते हैं, मैया के श्रृंगार की। और इतिहास है इसका? दुर्गा अवतार करणी माता का मंदिर है, चमत्कार अपनी आंखों के सामने है, इतना बड़ा गेट खुला है, एक भी चूहा बाहर नहीं आता। एक भी चूहा बाहर नहीं आता।
इनकी छोटे संक्षेप में आपको बता दूं सारी। दुर्गा अवतार करणी माता का मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होती है। इनका जन्म हुआ था यहाँ से 80 किलोमीटर पे सुआब गांव में। ये 21 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे, उसके बाद इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बाल्यावस्था में रहे, युवावस्था में आए, फिर शादी हुई। शादी होकर के जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में पालकी का सिस्टम था, पालकी को नीचे रख के जिनके साथ शादी हुई उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया तो अंदर दुर्गा, तो उन्होंने प्रणाम किया कि ये क्या स्वरूप है। तो माता जी ने कहा कि देखो, मैं तो दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया है, आपकी शादी मेरी छोटी मुँह बोली बहन गुलाब बाईचा से करवाऊंगी। अपने हस्बैंड की शादी अपनी मुँह बोली बहन गुलाब बाईचा से करवाई। उनकी 4 संतान हुई, उन 4 संतानों में से एक संतान की कपिल सरोवर में स्नान करते वक्त मृत्यु हो गई यहाँ से 55 किलोमीटर दूर। तो परिवार वालों ने रुदन किया कि माँ आप सर्वशक्तिमान हो, कैसे भी हो इस बच्चे को जीवन दान दो। तो कहते हैं माता जी धर्मराज जी के पास गए, धर्मराज जी से कहा कि जो लड़का आया मैं उसको लेने आई हूँ। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई ये तो योग माया आपका बनाया हुआ संविधान है, अपने कर्मों के हिसाब से मृत्यु लोक में जाएगा। तो माता जी ने कहा कि आज के बाद मेरे वंश का आपके यहाँ कोई आएगा नहीं, उनका भरण पोषण स्वर्ग नरक अपने स्तर पर करूँगे। तो कहते हैं कि मंदिर में एक ही रात में चूहों की उत्पत्ति हुई, जिनको हम चूहा नहीं काबा कहते हैं। अच्छा, तो ऐसी मानता है कि अगर एक चारण मरता है तो एक चूहा पैदा होता है, एक चूहा मरता है तो एक चारण पैदा होता है, ऐसा क्रम चलता है। तो माता जी ने कहा था कि आप मेरे वंश का आपके यहाँ कोई आएगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा सिस्टम योग माया से बना। अच्छा, कोई आदमी मरता है तो मरता होता है तो चूहा चूहा उनके वंश का उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अच्छा, सफेद चूहा का क्या है? ऐसा क्रम चलता आ रहा है 600 साल से, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की स्मेल नहीं है। घर में अगर एक चूहा मर जाता है तो उसकी इतनी स्मेल होती है कि अपने को बाहर निकलना पड़ता है, मगर यहाँ किसी प्रकार की स्मेल नहीं है। सूरत में एक बार फ्लैग कर बीमारी आई थी, फ्लैग, तो वहाँ के जो पेशेंट थे उन्होंने यहाँ के जूठा पानी पिया तो उनकी वो बीमारी चली गई। मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी इच्छा करते हैं माँ पूरी करती है। ये माँ का संक्षेप में इतिहास है, बाकी तो अनंत है। अच्छा, मंदिर का जो कार्यक्रम रहता है पूजा आरती वगैरह, वो कौन से टाइम? उनकी वंशजी लोग ही करते हैं, चारण जाति के। मेला भी लगता है? मेला लगता है नवरात्रा में, तो काफ़ी भीड़ लग जाती होगी। भयंकर पूरा बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भाई साहब बोलो, वर्ल्ड से फॉरनर भी आते हैं, जैसे अभी हमने देखे यहाँ पे कुछ फैमिली आई है फॉरनर, तो फॉरनर्स भी काफ़ी आते हैं। खूब खूब, ऐसा कोई जगह नहीं है जो यहाँ नहीं आते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से कम आ पा रहे हैं, मगर फिर भी काफ़ी भीड़ है। फिर भी बहुत भीड़ है, अभी सब कुछ नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने करणी मैया का नाम सुना था करीब 7-8 साल पहले मथुरा में, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन